अस्सलाम वालेकुम क्लास थ्री, आई एम योर टीचर फ्रॉम लतीफ नियाज़ी मेमोरियल हाई स्कूल। दिस इज़ योर सोशल स्टडीज़ बुक, लेसन नंबर ट्रेड एंड इंडस्ट्री। पिछली वीडियो में मैं आपको इसका पहला पेज यानी कि पेज नंबर 44 पढ़ा चुकी हूँ, और ये है आपका पेज नंबर 45 जिसकी रीडिंग आज हम करेंगे। देर आर सेवरल फैक्ट्रीज ऑल ओवर द कंट्री। देर आर सेवरल फैक्ट्रीज यानी कि हमारे मुल्क में जो है वो बहुत सी फैक्ट्रीज मीन्स कारखाने, हमारे मुल्क में बहुत से कारखाने हैं, पूरे मुल्क में बहुत सारे कारखाने हैं। दीज फैक्ट्रीज प्रोड्यूस प्लास्टिक एंड रबर प्रोडक्ट्स, पेपर, कार्डबोर्ड, ग्लास वेयर, चाइना वेयर, बाईसाइकिल, मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रिकल एंड स्पोर्ट्स गुड्स एंड मैनी अदर वैल्यूबल गुड्स। हमारे मुल्क में जो है वो बहुत सारी कारखाने मौजूद हैं, और ये फैक्ट्रियां या कारखाने पैदा करते हैं या बनाते हैं प्लास्टिक और रबर की चीज़ें। प्लास्टिक की जितनी भी अशियाँ हैं और रबर की जितनी चीज़ें हैं वो इन कारखानों में बनाई जाती हैं। इसके अलावा कागज़ बनाए जाते हैं, कार्डबोर्ड बनाए जाते हैं, ग्लासवेयर यानी कि शीशे के बर्तन, चाइनावेयर चीनी के बर्तन, बाईसाइकिल्स मतलब दो पहियों की जो साइकिल होती है उसे बाईसाइकिल कहा जाता है, मोटरसाइकिल्स और इसके अलावा मोटरसाइकिल यानी बाइक्स, इलेक्ट्रिकल एंड स्पोर्ट्स गुड्स बिजली का सामान, और इसके अलावा खेलों का सामान एंड मैनी अदर वेरिएबल गुड्स, और इसके अलावा बहुत सारी अहम जो हैं वो चीज़ें, ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो हमारे मुल्क की मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में बनाई जाती हैं। यानी कि इतनी सारी चीज़ें हैं जिनकी फैक्ट्रीज हमारे मुल्क में मौजूद हैं। पाकिस्तान इज़ वेरी फेमस फॉर कॉटेज इंडस्ट्रीज़। पाकिस्तान बहुत मशहूर है, कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं घरेलू सनत, मतलब जहाँ घरेलू सनत किसे कहते हैं, मतलब ऐसे सनतें जहाँ पर घरेलू आइटम्स बनाए जाते हैं, घरों में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि द स्किल्ड क्राफ्टमैन्स प्रिपेयर हैंडमेड ज्वेलरी। स्किल्ड क्राफ्टमैन यानी हमारे माहिर जो स्किल्ड कहते हैं जिनको हुनरमंदी हासिल होती है किसी भी काम में, क्राफ्टमैन्स हुनरमंद के कहते हैं। हमारे जो कारीगर हैं या हुनरमंद हैं वो बनाते हैं, प्रिपेयर तैयार करते हैं हैंडमेड ज्वेलरी। हैंडमेड ज्वेलरी मीन्स हाथ से बनाई हुई ज्वेलरी। एम्ब्रॉयडर्ड शूज़ में कढ़ाई, एम्ब्रॉयडरी कहते हैं कढ़ाई को, कढ़ाई वाले जूते जैसे कि खुस्से वगैरह होते हैं वो बनाए जाते हैं। कैप्स एंड ड्रेसेस, इसके अलावा कैप्स और एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेसेस भी तैयार किए जाते हैं। ब्यूटीफुल फ्लावर वेजेस मतलब जो गुलदान वगैरह होते हैं जिसमें फूल रखे जाते हैं वो खूबसूरत बनाए जाते हैं, नक्शों निगार उस पर बनाए जाते हैं। फैंसी पोट्री एंड रिच वैरायटी ऑफ डेकोरेटिव हैंडीक्राफ्ट्स, इसके अलावा डेकोरेटिव मतलब जो घरों में सजावट के बहुत सी चीज़ें होती हैं वो तमाम चीज़ें भी इन कारखानों में बनाई जाती हैं, यानी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में ये सब चीज़ें आती हैं। आर द प्राइड प्रोडक्ट्स ऑफ आवर कंट्री, ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारे मुल्क के जो हैं वो फ़ख्र हैं, यानी कि इन चीज़ों को बनाने से हमारे मुल्क के फ़ख्र में इजाफा होता है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन प्रोमोट्स द कॉटेज एंड रीजनल क्राफ्ट्स। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि एक इदारा है, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी एक ऐसा इदारा है जो छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनकी तरक्की के लिए काम करता है। प्रोमोट्स यानी कि हौसला अफजाई करता है द कॉटेज एंड रीजनल क्राफ्ट्स, घरेलू और जो इलाकाई क्राफ्ट्स होते हैं या हुनर होते हैं उनकी हौसला अफजाई करता है। बाई कंडक्टिंग ट्रेड फेयर, क्या करते हैं वो, ट्रेड फेयर करते हैं यानी तजारती मेले लगाते हैं एंड सीजनल एग्जीबिशंस, और इसके अलावा वो मौसमी जो है नुमाइश वगैरह भी लगाई जाती है, एग्जीबिशन कहते हैं नुमाइश, जो इनकी पोल्ट्री या जो भी फैंसी वैराइटीज़ होती हैं मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होती हैं हैंडमेड उनके एग्जीबिशंस लगाए जाते हैं थ्रू आउट द कंट्री। यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो इदारा है वो हौसला अफजाई करता है छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ की, क्या करके तजारती जो है मेले वगैरह लगा कर, उसके अलावा एग्जीबिशन जो है वक्तन वफ़क्तन लगाए जाते हैं पूरे मुल्क में, जिससे ये जो चीज़ें हैं हमारी जो हैंडमेड होती हैं उनकी जो क्राफ्ट्समैन हैं उनकी हौसला अफजाई होती है। तो ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो गया है। थैंक्स।